राम राम दोस्तों, पाल डॉक्टर ब्लॉग की आपका स्वागत है। और अभी हम हैं गगन नदी के तट पर और अभी ताज़ा स्थिति आप देख रहे हैं। तो आज सुबह की जो स्थिति दिख रही है उस हिसाब से देखा जाए तो जल स्तर में थोड़ा सा लग रहा है गिरावट आई है। और अभी ये सुबह सुबह की स्थिति है, देखो जगह जगह तटबंध टूट भी रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से जल स्तर थोड़ा सा नीचे आया हो। और कल दिन में काफ़ी पानी की चढ़ाई हुई थी, एक दो जगह तटबंध टूटे भी थे। और अभी मैं मौके पे अभी देख रहा हूँ जहाँ स्थिति, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं रास्ता था, रास्ते पे लगभग काफ़ी नहीं ज़्यादा नहीं तो 5-5, 6-6 फुट पानी तो ज़रूर होगा। और जो मकान आपको पीछे दिख रहा है वो भी थोड़ा दिखा रहा है कि पानी थोड़ा सा घटा है। तो ताज़ा अपडेट तो यही है, बाकी मैं आगे का तटबंध आपको दिखाऊंगा। एक दो जगह कल टूट गया था पानी। ये पूरा का पूरा जो स्थिति देख रहे हैं ये घग्गर नदी है और बिल्कुल ये जो सफेदे लगे हुए हैं ये है पेड़ है यहाँ की, बिल्कुल तट के साथ साथ लगे हुए। और जो गहरी धारा है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी चलता है उसको मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा। ये दूसरी गांव का साइड का गांव आपको दिखाई दे रहा है और इस गांव के साथ में लगती धारा है जो कि लगभग 20 से 30 40 50 फुट तक गहरी चलती है, जो कि हमेशा चलती रहती है दिन रात। और जब बाढ़ की स्थिति आती है उस समय यह है पूरा का पूरा पानी यहाँ खुला आपको देखने को मिलता है। और अभी पानी आप देख ही रहे हो कि किस तरह चल रहा है, लेकिन अभी ये नहीं है खतरा टल गया है, खतरा अभी बढ़ा हुआ है। और कल एक दो जगह रात को दिन में काफ़ी जगह तटबंध टूट जाते हैं, हो सकता है उसकी वजह से ऐसी स्थिति अपने को दिखाई दे रही हो। तो आगे का मैं आपको दिखाऊंगा, अभी चलते हैं आगे, कृपा वीडियो पर बना रही है। सुबह की स्थिति है और लोग काफ़ी यहाँ दिन भर तांता लगा रहता है, सुबह सुबह भी देख लो लोगों को देखने वालों और जो यहाँ संभाल करते हैं उनकी भीड़ लगी हुई है, तो दिन भर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। कल मैंने यहाँ से तटबंध से भी आपको दिखाने का प्रयास किया था और पानी आपको दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड में चलता है। लगभग 1 किलोमीटर की पानी की यह स्पीड है, आप लगाओ कितना खतरा सामने है। और बहुत ज़्यादा फास्ट पानी चल रहा है, बिल्कुल मैं नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। और कल इसी तटबंध से थोड़ा पानी एक साइड में निकल गया था और काफ़ी साथियों की मेहनत मशक्क़त के बाद में इसको कंट्रोल किया गया था। यहाँ पर शहर का जो गंदा पानी है उसको निकालने की व्यवस्था है। तो यहाँ से अब ये देख लो यहाँ जो है सारा ये बांधने का यहाँ प्रयास किया गया और बहुत मेहनत के बाद में, उधर मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से एक जो पानी का स्टोरेज है वो फट गया था। ये यहाँ का बॉयलर है जहाँ से पानी की निकासी होती है और ये पानी के दबाव की वजह से कल फट गया था। ये साथ के खेत लगते हुए हैं तो यहाँ पानी इसका ही जो आप देख रहे हो ये पानी यहाँ से गंदा पानी निकासी के लिए यहाँ जो है ये डिग्गी बनी हुई है और इस डिग्गी में दरार पानी के प्रेशर की वजह से कल पड़ गई थी। ये सारा पानी प्रेशर की वजह से हुआ था, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया था साथियों ने मिलकर।
जिन्होंने ज़्यादा नहीं 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे तक बहुत मेहनत के बाद में इसको कंट्रोल किया। अभी भी पानी इसके अंदर से चल रहा है लेकिन कंट्रोल है। ये पानी निकासी के लिए जो सिरसा का पानी है उसकी निकासी के लिए बनाया गया खाला है और इसमें से पानी निकलता है और कल एकदम से ओवरफ्लो होने की वजह से फट गया था और अभी तो कंट्रोल है स्थिति यहाँ की भी। इस खाले से पानी लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है और जगह जगह ट्रैक्टर लगा गए हैं। और आज की जानकारी इतनी थी, ये ताज़ा न्यू अपडेट है, कल फिर आपको दिखाएंगे ताज़ा स्थिति तो वीडियो पे बना रहेगा। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।